गाइस कैसे हो आप सब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। भाई हम सभी को पता है कि पटीदार आईपीएल 2023 से बाहर हो गए हैं। अब वो 2023 में फिट होकर वापसी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आरसीबी टीम ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो इस सीजन टीम के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे। हील इंजरी के चलते पूरी तरह से टीम से बाहर हो गए हैं। तो दोस्तों ऐसे में नंबर 3 पर हमें अब कौन सा प्लेयर खेलता हुआ दिखाई देगा केकेआर के खिलाफ मुकाबले में। इसके अलावा जब भी आरसीबी टीम के जल्दे विकेट्स गिरते हैं तो नंबर 3 पर हमें कौन सा खिलाड़ी खेलते हुए नज़र आ सकता है, इसके बारे में हमारी ये वीडियो होने वाली है। सारी जानकारी आपको दूंगा। तो भाइयों अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो और ऐसे ही टीम से जुड़ी हर एक अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रख लीजिएगा ताकि दोस्तों हर एक न्यूज़ आपको डेली मिलती रहे। वहीं एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर आपको आरसीबी टीम से जुड़ी कोई भी न्यूज़ सबसे तेज सबसे पहले मिलेगी। तो भाइयों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाओ उसे भी ज्वाइन कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2023 के ठीक पहले कयास ये लगाए जा रहे थे शायद से पटीदार जो है 14 अप्रैल के बाद फिट हो जाएंगे और आरसीबी टीम के लिए तब हमें नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि फर्स्ट हाफ के बाद वो खेलते हुए नज़र आ सकते थे सेकेंड हाफ में। मगर अब आरसीबी टीम ने फाइनली अनाउंसमेंट कर दी है कि पटीदार फिट नहीं हो पाएंगे, उनकी इंजरी जो है ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है जिसके चलते वो आईपीएल 2023 से अब बाहर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आरसीबी को ये थोड़ा सा बड़ा झटका तो है ही। नंबर 3 पर 2022 में पटीदार ने शानदार बल्लेबाजी करी थी, 2023 में भी फैंस उनको देखना चाहते थे, टीम मैनेजमेंट को उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, मगर इंजरी के चलते अब आईपीएल 2023 से वो बाहर हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों सवाल ये भी है कि अब आखिरकार नंबर 3 पर बल्लेबाजी कौन सा बल्लेबाज करेगा, क्योंकि विराट कोहली ने पहले मैच में ओपनिंग की, अब विराट और फैफ नहीं करने वाले हैं तो नंबर 3 पर कौन बैटिंग करने आएगा। अगर बाय चांस ओपनर्स की साझेदारी अच्छी होती है तो नंबर 3 पर मैक्सवेल या फिर कार्तिक एज अ फिनिशर आ सकते हैं फिनिशिंग की रोल अदा करने के लिए, लेकिन दोस्तों अगर बाय चांस विकेट्स जल्दी गिरते हैं ओपनर के तो नंबर 3 पर बल्लेबाजी कौन करेगा, तो इनके पास ऑप्शंस के रूप में वहां पर शाहबाज अहमद भी हैं, मिचेल ब्रेसवेल को टीम खिला रही है तो वो भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इनके पास ब्रेसवेल हैं, शाहबाज अहमद हैं जिनको ऊपर खेलना अच्छी तरह से आता है, इनिंग्स बिल्ड करना भी आता है, तो इन बल्लेबाजों में से कोई एक बल्लेबाज जो है नंबर 3 पर हमें खेलता हुआ नजर आ सकता है। दिनेश कार्तिक या मैक्सवेल जो है जब सिचुएशन अच्छी होगी बल्लेबाजी की तभी जो है ऊपर बल्लेबाजी करने आएंगे। स्टार्टिंग में विकेट्स गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ब्रेसवेल या फिर शाहबाज अहमद ही खेलते हुए नजर आएंगे नंबर 3 के पोजीशन पर। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।